मेरा नाम तसदुक जफर मीर है। सो मैं पांपोरा से खेलने आता हूँ यहाँ पे। सो पहली बार हमें कश्मीर में इंडोर प्रोवाइड किया गया है, जिसे समझो अक्टूबर महीने से ही बारिश का सिलसिला होता था और कश्मीर में वॉलीबॉल बंद होता था। हम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के सठा गुजार शुक्रगुजार है, क्योंकि उन लोगों ने हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया है इंडोर स्टेडियम। सो उसके लिए हम इनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है एडमिनिस्ट्रेशन। जी, ये जो इवेंट आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स काउंसिल ने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है प्रीमियर लीग 2020। आज जो आपने मैचेस देखे वॉलीबॉल के मैचेस, यहाँ कल से हमने स्टार्ट किए हैं, कल 3 मैचेस में खेले गए और आज भी 3 मैच खेले जा रहे हैं। ये जो स्पोर्ट्स काउंसिल ने 4 इवेंट में प्रीमियर लीग स्टार्ट किए हुए हैं, फुटबॉल का सिंथेटिक फुटबॉल टर्फ पे दवा दवा है, कबड्डी का जो इवेंट था ये वही पे हमने यहाँ पे ख़त्म किया, दो तीन दिन पहले वो हमने यहाँ पे ख़त्म किया। वॉलीबॉल के इवेंट चल रहे हैं, कल से हमने हॉकी का भी इवेंट गिनू स्टेडियम राजबाग में किया है। ये पहली बार हो रहा है कि इंडोर में हम वॉलीबॉल करवाने जा रहे हैं, क्योंकि जो स्पोर्ट्स काउंसिल ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है पिछले 2-3 सालों में, वो इसके बेहद तारीफें हो रही हैं। हर जगह पे हम इंडोर जो है वॉलीबॉल और कबड्डी करवाने की कोशिश करें। अगर आप देखेंगे कि बांडीपोरा का जो हमारा चल रहा है कबड्डी, वो भी इंडोर में हो रहा है और दूसरी जगहों पर भी हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुराया फिरोज़ है, तो मैं बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से हूँ। यहाँ तक विंटर्स का ये ताल्लुक़ है, विंटर्स में हम बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे, तो हम इनको स्पोर्ट्स काउंसिल वालों को थैंकफुल करना चाहते हैं कि इन्होंने हमें ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, इन्होंने हमें इंडोर में इन होने दिया, तो जिसकी वजह से हम आगे भी खेल पाएंगे। हमें पहली बार इंडोर में खेलने का मौका मिल रहा है, तो हम स्पोर्ट्स काउंसिल वालों को बहुत ही शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने हमें ऐसा मौका दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनीर आलम वॉलीबॉल कोच, जो कि कश्मीर स्टेट में काम करता है, लेकिन ये असाइनमेंट जो प्रीमियर लीग का है ये एक बूस्ट है वॉलीबॉल के लिए। ये इस कदर की पहली लीग है जिसमें वॉलीबॉल को इन किया हुआ है, प्राइज मनी अलग बात, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट किया है ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। जो इसका लाइमलाइट है, जिसका हाईलाइट है इस लीग का, वो इंडोर में वॉलीबॉल, ये हिस्टोरिकल मोमेंट है कश्मीर वॉलीबॉल के लिए, क्योंकि यहाँ पे कभी इससे पहले इंडोर वॉलीबॉल खेला नहीं गया था, तो जो ये इंडोर खेला गया है इट्स अ हिस्टोरिकल मोमेंट। और ये बेनिफिट सिर्फ एक गेम को नहीं है बल्कि पूरे स्पोर्ट्स कल्चर को है, क्योंकि वॉलीबॉल बाहर देखे शायद पेरेंट्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये कहीं जाएंगे, लेकिन इंडोर में आके सभी ये एक एनकरेज होते हैं कि नहीं, जो गेम का रियल मीन है, जो ये गेम इंडोर है, अब हमारे बच्चे भी इंशाल्लाह आगे इंटरनेशनल में कुछ कर पाएंगे। मेरे पास अभी 2 इंटरनेशनल बच्चे हैं जो इंटरनेशनल लेवल के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन इंडोर की वजह से, हमारे विंटर हार्श विंटर की वजह से वो आगे परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन मैं स्पोर्ट्स काउंसिल की बहुत बहुत तब दिल से उनकी थैंक्स करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, और उन्हें प्रॉमिस भी किया है कि ये रेगुलर कोचिंग में भी आएगा, वॉलीबॉल विल बी रेगुलर कोचिंग इन इंडोर्स। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एज वेल एज फार एज नुसरत मैम, इकबाल साहब, जितने भी उन्होंने जो हेल्प किया कि इस गेम को इंडोर में लाने के, इट्स अनफॉर्गेटेबल।